हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा ब्लॉग। और सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड वाला मॉर्निंग। और जिन लोगों को मतलब थोड़ी सी एनर्जी वीक हो रही है, तो मैं अपना नाश्ता उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। और वैसे भी आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। कैन सी माय मॉम, अम्मी तो हमेशा खुशी रहती है। अभी चाय बनवाई है मुझसे, तो मैं आपको बताती हूँ उन्हें क्या खाना चाहिए नाश्ते में। सी गाइस, ये देखें, मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। और आप जब भी इसे बनाएं, ठीक है, अम्मी इसको पकड़ना ज़रा, आप जब भी इसको बनाएं तो आप हमेशा अंडे को हाफ फ्राई करें। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कच्चा है, तो मैं भी है। और हाफ फ्राई अंडा खाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। और हरी मिर्ची मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं, क्योंकि मैं फीका नहीं खाती। लेकिन अगर आप हरी मिर्ची भी ऐड नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हरी मिर्ची ठीक होती है। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को पता है मैं खाली चाय नहीं पीती, तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है चाय के साथ, तो मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। और आज मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करूँगी तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। फिलहाल मैं नाश्ता कर लूँ। सो गाइज, हम आए छत पर और आज इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और शाम हो रही है, मतलब एकदम घने बादल हो रहे हैं और तो और आंधी भी आ रही है, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये हो रहे हैं बादल हमारी छत पे, मतलब हमारे सर के ऊपर बिल्कुल, वहाँ पर देख सकते हैं कैसा व्यू आ रहा है। ये रही निशा हमारी छत, और देख सकते हैं कितने घने बादल हो रहे हैं, वहाँ का नज़ारा, हवा कितनी चल रही है। आप देखें दिल्ली में बारिश, ओ माय गॉड, इतनी तेज़ हो रही है। सामने वाला घर बंद ही रहता तो उसमें देखें आप कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी तेज़। मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, माशाल्लाह। तो जैसे कि आपको पता है दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अम्मी कर रही हैं कचौरियों की तैयारी। बट उससे पहले एक लड़की ने टांग अड़ाई है, उसकी टांग बिना अड़े तो घर में कोई काम हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कैसे बनाते हैं, आपको तो आता है। ये देखें इनका दांत देखें और इनका काम देखें, तो ये रोटियाँ बना रही हैं। चलें बेल कर दिखाएं। चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पर, जल्दी। सो ये है हमारा बेवन, बेड ऑन, मुझसे तो बैठना भी नहीं आता। ये शीट है जिस पे ये उसकी शीट है, सब्जी काट रही है, रोटी बनाते हैं। तो ये मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, एक साल बाद रोटी सरक रही है। तो आज मैं समझूंगी कि हमारा ब्लॉग कामयाब हो गया। जल्दी 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 करें यार, हिलती बहुत है। हाँ, कैमरा ऑफ कर दूं, मैं बेल दूं। तो गाइस, थोड़ा टाइम लगता है रोटी बनाने में, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होता। पसीना, अब पता चल गया, पसीना बहाना पड़ता है अच्छी रोटी खाने के लिए। तो बस कितना बेलेगी जल्दी, हाथ से भी बढ़ानी होती है। हाँ, मोटी रोटी ना बन जाए। हाँ, अपने दुश्मन का गाल समझ के, तेज करो अपने दुश्मन का गाल समझे इसको, पट पट पट। बन गई, बस बन गई, बन गई, शाबाश। अब बस ये तवे पर आई जाए वो बहुत बड़ी बात है, आ गई। ये आड़ी बन चुकी है। और इतनी मोटी रोटी इतनी मोटी रोटी बनाई है इसने, ये देखे। बस बस बन गई, वाह शाबाश, वाह। Okay, यादगार के तौर पे सुरंग, नहीं नहीं चिमटे को आवाज दे लो, खुद आ जाएगा वो। ये देखिए इसकी रोटी,
मतलब अभी रोटी सिकी नहीं है गाइस, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ मेरा उल्टा हाथ, अभी सिकी भी नहीं है, बट इसको आफत है कि जल्दी से सेक दूँ, फूल जाए बस ये भगवाना उधर रखे क्योंकि तवा आएगा उधर। तो देखें आप पहले सीधी करें, सीधी ऐसे? हाँ अब ऐसे नहीं, उधर ही करें, उधर ही करें, पहले रोटी दे ऐसे ही पलटे हैं, ऐसे ही सेकते हैं। हाँ आप बता क्यों नहीं, बता ही गलत नहीं, ये बताने वाली ही गलत है। पापा आज भी मेरे ही हाथ की रोटी खाते हैं, आप भूल लेना बिल्कुल भी। सॉरी मेरी फूली नहीं, बेइज्जती करवा दी अच्छी खासी। ओह माय गुडनेस, क्या बेइज्जती हुई है ये होते हैं। ओ इतनी जल्दी बंद मत करो, सीखने तो दे। इन्होंने इतना ज्यादा सेक दिया है रोटी को, वो आधी कच्ची है। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे डियर। ये तो रोटी भी गिर रही है, रोटी भी गिर रही है, मनुज के हाथों में चली गई है। गर्मी इतनी लग रही है मुझे, एक रोटी। चलो चलो बन गई, चलो तुम्हारी महा बेइज्जती हो चुकी है, दूर हो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ अपनी रोटी का फाइनल लुक दिखाएं। और ये वैसे तो इस पे गीला कहीं से कच्ची कहीं से पक्की, खोल के दिखा रही हूँ। बस बस रहने दें, बस हमने देख ली आपकी इज्जत चली गई। ये देखें, और ये हमारी कचौरियाँ फ्राई हो रही है, बहुत ही ज्यादा यमी। अम्मी जो बनाए वो तो यमी होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे प्रेशन चल रही है, दाल कीमे की कचौरी, और ये है मेरी अम्मी। चलिए तो ये जब प्लेट आउट होती है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये है कच्चे आम, जिनकी मुझे चटनी बनानी है, क्योंकि चटनी के बिना तो कुछ भी नहीं खाते हमारे घर में। अरे चटनी क्यों खाते हो तुम लोग, हर चीज से चटनी चाहिए। तो चलिए ये देखें, हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बन चुके हैं और अम्मी बना रही हैं, तो हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम खाने बैठ गए हैं। और ये देखें मैंने चटनी भी कर ली है, मतलब कच्चे आम की, और चलिए हम टेस्ट करते हैं इनको। तो ये बहुत गर्म है, तो गर्म हो रही है, मैं तो खाई नहीं थी, अभी गर्म बहुत अच्छी बनी है। अम्मी तो सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं माशाल्लाह से। तो चलिए हम ये कर लेते हैं इंजॉय, है ना, खाऊंगी ठंडी। हाँ हमने खा लिया है खाना, और हमारे पसीने देखो, गंदे वाले पसीने आ रहे हैं, और क्यों गरम गरम खाया ना इसलिए। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी अम्मी ने कचौरियाँ बनाई थी, मज़ा आ गया खाकर। और गर्मी बहुत थी आज, लेकिन बारिश हो गई तो ठीक है। और अभी तो हमने फ़ैन ऑफ कर रखा है, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी कचौरी और कब बना रही हैं, तो इसलिए हमारा फ़ैन ऑफ है, और हमें गर्मी लग रही है, हम बाहर हॉल में बैठे हैं, एयर हॉल में बैठे हैं। हाँ और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और लाइक करना बिल्कुल। अम्मी हंस रही हैं, और ये मुझे मारे जा रही थी, इनके पैर में लगी वो शूट करना भूल गए, मैं इनका रोना ऐसे रो रही थी, बस क्या ही बताऊँ, गंदी बहन है, अगर हंस हंस के पागल हो जाते सब, ऐसे रो रही थी। मैंने इसको मारा मजाक में, ओ मेरा पैर स्लिप हो गया। ये मार जा रही बार बार पैर अपने, और फिर मेरा पैर स्लिप हो गया, तो मुझे मार रही थी खुद के लग गई। और गाइस ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको कचौरी की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फिर कचौरी बनाएंगे आपके लिए, मतलब दोबारा से बना लेंगे, रेसिपी आपके साथ शेयर वेयर कर लेंगे यार, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हम जा रहे हैं ब्लॉग का एंड करने, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आप भी कुछ बोल लें, क्या करें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और घंटा बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, बेल आइकन, अल्लाह हाफिज़।